खबर आपको बता रहे हैं, के न्यूज की खबर का हुआ है दमदार असर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, के न्यूज की खबर का हुआ है दमदार असर। विजय जुलूस निकालने वाले प्रत्याशी खिलाफ मामला दर्ज। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, विजय जुलूस निकालने वाले प्रत्याशी खिलाफ मामला दर्ज। के न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। खबर दिखाए जाने के बाद की है कार्रवाई। लखनऊ में के न्यूज की खबर का बड़ा असर। के न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने की है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से जहां के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ। जो शिवम, के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है? जी जी विशाल जी, देखिए आज सवेरे जब के न्यूज ने मामला उठाया था, विजय जुलूस जो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, जब निर्देश है कि साफ तौर पर कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही लोग जो है कोविड को देखते हुए एक जगह पर इकट्ठा होंगे, 400 लोग ज्यादा, लेकिन ऐसे माहौल के बाद भी लोग जो है विजय जुलूस निकाल रहे थे। जिसके बाद के न्यूज की खबर जब फ्लैश हुई और उठाया गया, उसके बाद जो है पुलिस ने लगातार मामले को देखा और उसके बाद कार्रवाई पर उतर के आई है और अब मुकदमा जो है पंजीकृत किया जा रहा है ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ। जी विशाल, बिल्कुल शिवम, अगर बात की जाए तो महामारी एक्ट के अलावा किस मामले और किस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? जी देखिए, हाँ बिल्कुल सही, महामारी एक्ट और आचार संहिता के उल्लंघन के एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका। तो के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है, लखनऊ में विजय जुलूस निकालने वाले प्रत्याशी खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ, विजय जुलूस निकालने वाले प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज मामला। खबर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, के एनओसी खबर का बड़ा असर, विजय जुलूस निकालने वाले प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हुई सक्रिय। के न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हुई सक्रिय। और